नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 8 और विषय हिंदी और इकाई 6 जिसका नाम था भरत, हमने राजा भरत के बारे में जाना, जिस भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारत रखा हुआ है, वो भरत इसके जिसके बारे में हमने इस इकाई के माध्यम द्वारा समझा। भरत शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था और वो बड़ा ही साहसी था। साहसी यानी कि हिम्मत वाला, कि एक बालक सिंह के बच्चे के दांत गिनता है, उसको बोलता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनना चाहता हूँ, तो ये कितना बहादुर बच्चा होगा। और वो कोई सामान्य लड़का तो था नहीं, वो एक चक्रवर्ती राजा दुष्यंत का पुत्र था और पुरुवंशी था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 6 और भरत, जो कि इस कहानी का मुख्य शीर्षक है, हम उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर हमको दो वाक्यों में देना है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो इसका जवाब है कि बालक वन के पशुओं को के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसे साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। सर्वदमन यानी कि जो लोग हैं और जो लोग हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, उन पर अपना नियंत्रण जमाना। एक तरह से हम सोचे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको नेतागिरी बोलते हैं, नेतृत्व, सबका नेतृत्व करना, सबको एक साथ जुड़े रखना और सब पर अपना अधिकार जमाना, वो क्या है, नेतृत्व है, नेतागिरी है। तो इसलिए उसका नाम सर्वदमन रखा था। फिर से एक बार मैं आपको उसका जवाब बोल देता हूँ कि बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ, जो वन के पशुओं के, जो वन यानी कि जंगल में जो पशु थे उनके जो बच्चों थे, तो उनके साथ वो निडर यानी कि अभय होकर वो उसके साथ खेलता था, और इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, दुष्यंत बालक के प्रति आकुष्ट क्यों हो रहे थे? आकुष्ट यानी कि खिंचाव। तो इसका जवाब है कि बालक स्वच्छ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था, उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकुष्ट हो रहे थे। आकुष्ट यानी कि आकर्षित होना। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, दुष्यंत ने पुरुवंशिया जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई? पुरुवंश यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एक वंश हम उनको बोलते हैं, जिसके संस्कार हमको अपनी पीढ़ी से मिलते हैं, उसको वंश बोला जाता है, कि जो हमारा दादा थे, हमारे परदादा थे, उसके भी दादा परदादा, तो वो क्या है, हमारा वंश है, हमारा गोत्र है। तो दुष्यंत ने पुरुवंशिया के जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई? तो जिसका जवाब है कि वे युवावस्था में महलों में रहकर
पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे। युवावस्था, युवावस्था यानी कि 25, जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति 25 साल का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, युवावस्था। तो युवावस्था में वो क्या करते थे, तो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे। और वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे। वृद्धावस्था यानी कि 70 से ऊपर तक की आयु, उसको वृद्धावस्था बोला जाता है। तो पहले के ज़माने में तीन अवस्थाएं थीं, तीन, हम उनको तीन आश्रम भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम पहले के आश्रम की बात करें तो बालावस्था, युवावस्था और जो त्रिजी थी वो थी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को संन्यासश्रम भी कहा जाता है, यानी कि सब राजपाट मोह सब त्याग कर राजा क्या करते थे, तो जंगल में रहते थे और ऋषियों की भांति अपना जीवन जीते थे। तो ये दो पूर्ववंशीय जीवन की दो रीतियाँ थी। अब हम प्रश्न दो देखते हैं। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखी। चित्र का अवलोकन, अवलोकन यानी कि देखना, उसको देख के फिर अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। तो आप पुस्तक में चित्र देख सकते हो। तो कहानी का शीर्षक दिया गया है कि लकड़हारा और देवदूत। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियों काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था, जिसको हम कठियारा भी बोलते हैं। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ ऊपर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कराल पूछा, कराल यानी कि वजह। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुश से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदार, प्रामाणिक और सत्य। ये तीन गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जो हमारा है, जो हमने अपनी मेहनत से कमाए, उस पर ही हमको गर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिना मेहनत के हमें जो मिल जाता है वो भी हमको ग्रहण कर लेना चाहिए, तो वो सही बात नहीं है। हमें अपनी ईमानदारी मेहनत से ही कमाना चाहिए।
जिंदगी में कभी शॉर्टकट अपनाना चाहिए नहीं, क्योंकि जो हमारा है उसका ही हम पर अधिकार है, दूसरों की चीज़ों पर हमें अधिकार करना चाहिए नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से विद्यार्थी मित्रों हमें यह सीख मिलती है। तो आज हमने भरत कहानी जो है इकाई 6 विषय हिंदी, उस कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। विद्यार्थी मित्रों इस कहानी से, इस भरत की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी भरत की तरह निडर और साहसी बनना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि जो प्राणियों हैं, वन जो पशु है, पंखी जो होते हैं, वो भी एक जीव है, तो हमें उनको हैरान करना चाहिए नहीं, लेकिन हमें एक निडर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुत्ते से भी डर जाते हैं, तो ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं। हमें हमारी अंदर एक निर्भीकता होनी चाहिए। भय क्या कराता है? तो भय जो आदमी होता है, भय आदमियों को कमज़ोर बना देता है, इसलिए हमें डर का सामना करना चाहिए। क्योंकि हिंदी में भी एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, तो हमें कोई भी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए। यदि हम सत्य के मार्ग पर हैं, यदि हम सही हैं, तो फिर किसी से भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें निडर बनना चाहिए, हमें साहसी बनना चाहिए, और कोई भी मुसीबत आए तो उसका सामना हिम्मत से करना चाहिए। तो ये कहानी हमें यह सीख देती है। और इतिहास, और जो हमारा इतिहास है, क्योंकि जो भरत था वो तो राजा हो गया, इतना बहादुर कि जिस वो कितना बहादुर होगा ये तो सिर्फ कहानी है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि एक भरत कितना बहादुर होगा कि उसके नाम से ये देश भारत पड़ा, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू।